बागली के कमलापुर भूमाफिया और कुख्यात बदमाश नब्बू खां के द्वारा वन भूमि पर कब्जा कर दबंगता दिखाकर खेती की जा रही थी, जिस पर तत्काल कब्जे से उक्त भूमि को मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की गई। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा, बागली SDM शोभालाल सोलंकी के निर्देशन में वन विभाग और पुलिस विभाग एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बदमाश भूमाफिया के कब्जे से उक्त भूमि को मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की गई। कमलापुर क्षेत्र के भूमाफिया व कुख्यात बदमाश नब्बू खां पिता तलीफ खां उम्र 40 वर्ष निवासी कमलापुर के द्वारा वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाकर खेती की जा रही थी। मौके पर तत्काल कार्यवाही करते हुए भूमाफिया के कब्जे से 10 बीघा जमीन जो 50 लाख रुपए कीमत को मुक्त कराकर वन विभाग के सुपुर्द किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। नब्बू खान के द्वारा वन विभाग की 10 बीघा जमीन को अपने कब्जे में लिया गया था। ये सूचना रेंजर कमलापुर क्षेत्र के द्वारा थाना प्रभारी बागली को दी गई, जिस पर थाना प्रभारी बागली दीपक यादव, थाना प्रभारी हाट पिपलिया सज्जन सिंह मुकाती, थाना प्रभारी उदयनगर दावरे और थाना प्रभारी काटापोड़ महेंद्र गौड़ अपने बल के साथ रेंजर के बताए स्थान पर कमलापुर क्षेत्र में पहुंचे और 10 बीघा जमीन नब्बू खान ने जो कब्जा कर रखा था उसको अतिक्रमण मुक्त किया गया और वन विभाग के सुपुर्द ये जमीन की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।